नमस्कार विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विभिन्न प्रकार के दावों में संबंध। देखिए, हमने इसे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब कोशिका में से, ये मान लीजिए कोई कोशिका है, इस कोशिका में से जब जल बाहर की ओर निकलता है तो कोशिका क्या हो जाती है, कोशिका सिकुड़ जाती है। इस प्रकार अभी ये स्फीत है, ये अभी कैसी है, ये स्फीत कोशिका, यानी अभी ये फैली हुई है। लेकिन जब कोशिका में से जल बाहर निकल जाता है तो कोशिका कैसी हो जाती है, संकुचित हो जाती है, संकुचित कोशिका हो जाती है, या इसको सलत कोशिका भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो जल है वो बाहर निकल चुका है। जल बाहर निकल जाएगा, कोशिका सिकुड़ जाएगी और इसका जो जीव द्रव्य है वो क्या होगा, वो भी सिकुड़कर एक तरफ चला जाएगा। तो जब कोशिका की स्थिति इस प्रकार की होती है कि जब कोशिका सलत होती है तो क्या होता, देखो, जब कोशिका सलत या संकुचित होती है तो संकुचित या सलत होती है तो कोशिका पर किसी भी प्रकार का भित्ति दाब नहीं लगेगा। भित्ति दाब तो कब लगता है कि जब कोशिका स्फीत हो रही है, कोशिका फैल रही है, तो इस कोशिका फैल रही है तो कोशिका की जो कोशिका भित्ति है वो क्या करेगी, वो भी बाहर से अंदर की ओर एक दबाव लगाएगी। लेकिन चूंकि कोशिका भी क्या है, सलत अवस्था में है, तो जब कोशिका सलत होती है, संकुचित होती है, तो कोशिका पर भित्ति दाब नहीं लगता है, क्योंकि भित्ति दाब का भी काम ही नहीं है। भित्ति दाब का काम तो कब होता, जब ये फैल रही होती, तो उसको फैलने से रोकने के लिए जो सेलुलर प्रेशर है ना, भित्ति दाब है, वो क्या करता था, वो बाहर से इस कोशिका को क्या कर रहा था, धकेल रहा था, वो क्या कर रहा था, बाहर से कोशिका को धकेल रहा था। इसलिए जब भित्ति दाब नहीं होता तो क्या होगा, स्फीत दाब क्या होता है, शून्य होता है। जो स्फीत दाब होगा अंदर वाला वो भी कैसा होगा, शून्य होगा, क्योंकि ये तभी तो काम करेगा जब भित्ति कोशिका पर दबाव डालेगी, तभी स्फीत दाब का कुछ मान होगा, है ना। क्योंकि कोशिका सलत है या संकुचित है तो कोशिका पर भित्ति का कोई दाब नहीं लग रहा है। जब भित्ति का दाब नहीं लगेगा तो जो टर्गर प्रेशर होगा, है ना, भित्ति दाब, स्फीत दाब, वो भी कैसा होगा, शून्य। तो हम कह सकते हैं कि टीपी बराबर जीरो, टर्गर प्रेशर या स्फीत दाब बराबर क्या होगा, जीरो, क्योंकि शून्य है। तो सलत कोशिका या संकुचित कोशिका होगी, भित्ति पर किसी प्रकार का दाब नहीं लगेगा, तो कोशिका का जो स्फीत दाब है वो कैसा होता है, शून्य होता है। इसी प्रकार कोशिका में उपस्थित कोशिका रस का परासरण दाब यानी ऑस्मेटिक प्रेशर, ओपी, ऑस्मेटिक प्रेशर, परासरण दाब भी क्या होगा, परासरण दाब
विसरण दाब न्यूनता, विसरण दाब न्यूनता के क्या होता है, बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट, विसरण दाब न्यूनता बराबर किसके है, परासरण दाब के, ओपी के। तो दो चीजें यहां पर क्लियर हो रही है कि जब कोशिका सलत होती है तो कोशिका पर भित्ति दाब नहीं लगता है, इस कारण उसका जो स्फीत दाब होता है, टर्गर प्रेशर होता है, वो कैसा होता है, जीरो होता है, शून्य होता है। ठीक, तो इसलिए हम टीपी बराबर जीरो लिख सकते हैं, टर्गर प्रेशर स्फीत दाब बराबर शून्य। फिर इसी प्रकार जो कोशिका में की जो रिक्तिका है, कोशिका की जो रिक्तिका है, रिक्तिका में क्या होता है, कोशिका रस होता है, तो कोशिका रस का परासरण दाब किसके बराबर होता है, विसरण दाब न्यूनता के बराबर होता है। अर्थात डीपीडी बराबर क्या हो जाता है, ओपी, डीपीडी बराबर ओपी। इस प्रकार की कोशिका, इस प्रकार की कोशिका मतलब किस प्रकार की कोशिका, सलत कोशिका, संकुचित कोशिका, इस प्रकार की कोशिका को यदि अल्प परासरी विलयन में रखा जाए तो क्या होगा, अल्प परासरी विलयन में रखा जाए तो क्या होगा, जल कोशिका में प्रवेश करेगा, जल कोशिका में प्रवेश करेगा। अब जब जल कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा, देखो यहां पर तो सलत कोशिका कब हुई थी, जब जल कोशिका से बाहर आ रहा था तब तो कोशिका क्या हुई थी, संकुचित हो गई। अब यदि इस कोशिका को हमने किस में रख दिया, एक अल्प पराशरी विलयन में रख दिया, अल्प पराशरी विलयन में रखेंगे तो जल है वो क्या होगा, कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा, और जब कोशिका के अंदर जल प्रवेश करेगा तो क्या होगा, कोशिका धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाएगी, यानी कोशिका क्या हो जाएगी, स्फीत हो जाएगी। तो स्फीत होगी तो स्फीत दाब का मान है वो क्या है, बढ़ेगा। तो जल कोशिका में प्रवेश करेगा, इससे स्फीत दाब यानी टीपी टर्गर प्रेशर बढ़ने लगता है। अब स्पीड दाब तो बढ़ेगा लेकिन कोशिका रस की सांद्रता वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब जल अंदर प्रवेश कर रहा है, सांद्रता कम होने लगती है तथा कोशिका रस का जो परासरण दाब है, ऑस्मेटिक प्रेशर है, वो क्या हो जाएगा, वो अब घटने लग जाएगा। ऑस्मेटिक प्रेशर परासरण दाब कम हो जाता है तथा विसरण दाब न्यूनता के बराबर हो जाता है, किसके बराबर हो जाता है, विसरण दाब न्यूनता के बराबर हो जाता है। यानी डीपीडी बराबर ओपी, विसरण दाब न्यूनता है वो किसके बराबर हो गया, वो हो गया आपके परासरण दाब के बराबर हो जाएगा। जब कोशिका पूर्ण स्फीत अवस्था में आ जाती है, पूर्ण स्फीत अवस्था में आ जाती है तो क्या होता है, पूर्ण स्फीत अवस्था में आ जाती है तो क्या होगा कि टीपी बराबर क्या हो जाएगा, ओपी।
पीपी बराबर ओपी हो जाएगा। तो फिर डीपीडी का मान क्या हो जाएगा, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। विसरण दाब न्यूनता किसके बराबर हो जाएगी, इन दोनों ऑस्मेटिक प्रेशर और ट्रिगर प्रेशर के अंतर के बराबर हो जाती है। तो इस प्रकार ये अलग अलग दाबों में क्या होता है, संबंध होता है। अगला बिंदु है जल विभव की अवधारणा, वाटर पोटेंशियल। जल विभव की अवधारणा या वाटर पोटेंशियल, देखो क्या होता है जल विभव। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये अवधारणा प्रस्तुत किसने की थी। तो जल विभव अवधारणा को स्लेटियर व टाइलर, स्लेटियर व टाइलर ने प्रस्तुत की थी। किसने, स्लेटियर और टाइलर, इन्होंने वाटर पोटेंशियल की जो अवधारणा है उसको प्रस्तुत किया था या उसकी खोज की थी। अब हम जानते हैं कि जो ऊष्मागतिकी के नियम होते हैं, ऊष्मागतिकी के नियमों के अनुसार प्रत्येक निकाय या तंत्र में कुछ क्या होती है, मुक्त ऊर्जा होती है। हर एक निकाय के अंदर या तंत्र के अंदर जो विद्यमान है उसके अंदर क्या होती है, कुछ मुक्त ऊर्जा होती है। और ये मुक्त ऊर्जा क्या करती है, इस मुक्त ऊर्जा के कारण ही इस तंत्र के अंदर या निकाय के अंदर क्या होती है, कार्य करने की क्षमता होती है। यदि मुक्त ऊर्जा नहीं होगी तो कार्य कर, कोई भी तंत्र है या निकाय है वो कार्य नहीं कर सकता। इसी मुक्त ऊर्जा के कारण कोई निकाय या तंत्र क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। ये जो फ्री एनर्जी है, मुक्त ऊर्जा है, इसके कारण ही कोई कार्य कर सकता है। यदि मुक्त ऊर्जा नहीं होगी तो उस तंत्र के द्वारा कोई कार्य संपादित या संपन्न नहीं किया जा सकता। अब जो हमारे पास में शुद्ध जल होता है यानी विलायक, शुद्ध जल यानी विलायक, शुद्ध जल की मुक्त ऊर्जा है वो क्या होती है, वो उच्चतम होती है, सर्वाधिक होती है। मुक्त शुद्ध जल की मुक्त ऊर्जा क्या होती है, अधिकतम होती है। यदि हम सिर्फ शुद्ध जल की बात करें, विलायक की बात करें, यहां पर हम विलायक भी देख सकते हैं, विलायक, तो शुद्ध जल की मुक्त ऊर्जा है वो क्या होती है, सर्वाधिक होती है, अधिकतम होती है। लेकिन जैसे ही हमने इस शुद्ध जल में या विलायक में विलेय पदार्थ मिलाने शुरू कर दिए, यानी हमने विलायक को किस में बदल दिया, विलयन में। विलयन कब बनेगा, विलायक से विलयन कब बनेगा, जब विलायक के अंदर कोई विलेय पदार्थ आकर मिला देंगे तो वो विलायक अब विलायक ना कहलाकर क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। यदि विलायक यानी शुद्ध जल में विलेय पदार्थ मिला दें, तो क्या होगा, विलेय पदार्थ मिला दें तो क्या होगा, तो बने विलयन की, बने विलयन की मुक्त ऊर्जा कम हो जाती है। पहले शुद्ध जल की मुक्त ऊर्जा क्या थी, अधिकतम थी। यहां देखते हैं शुद्ध जल मुक्त ऊर्जा क्या है, अधिक, ठीक।
अब शुद्ध जल के अंदर हमने क्या क्या ऐड कर दिया, हमने कर दिए विलेय पदार्थ, कोई भी विलेय पदार्थ है वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया विलायक के अंदर, तो क्या बन गया, विलयन बन जाएगा। और जैसे ही शुद्ध जल में विलेय पदार्थ डालकर हमने विलयन बनाया तो मुक्त ऊर्जा जहां पहले अधिक थी वहां अब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यदि विलायक में विलेय पदार्थ मिला देने से जो विलयन बनता है उसकी मुक्त ऊर्जा है वो किसकी तुलना में, इस विलयन की मुक्त ऊर्जा है वो किसकी तुलना में, विलायक की मुक्त ऊर्जा की तुलना में क्या होती है, कम होती है। तो ये जो कमी आई है विलायक और विलयन के दोनों के मुक्त ऊर्जा में जो कमी आई है, उस कमी के अंतर को ही स्लेटियर और टाइलर ने क्या बताया था, जल विभव का नाम दिया था। इस प्रकार शुद्ध जल व विलयन, या आप शुद्ध जल की जगह विलायक भी लिख सकते हो, विलायक व विलयन में मुक्त ऊर्जा में आए इस अंतर को क्या कहते हैं, जल विभव वाटर पोटेंशियल कहते हैं, जल विभव कहते हैं। ठीक, अब जल विभव तो हमने देख लिया कि किसे कहते हैं, जल विभव को इसके जो संकेत है वो ग्रीक भाषा में आता है, जल विभव को ग्रीक भाषा के इसे बोलते हैं साई, क्या बोलते हैं इसे, साई द्वारा व्यक्त किया जाता है। साई के द्वारा व्यक्त किया जाता है और इसकी जो साई का मान होता है, साई बराबर क्या होता है, इसकी इकाई है, यदि हम साई की बात करें तो साई की जो इकाई होती है वो क्या होती है, वो बार होती है या एटीएम यानी एटमॉस्फेयर, एटीएम का मतलब एटमॉस्फेयर, तो इसकी साई की जो इकाई होती है वो बार या एटीएम होती है। बार का यदि हम मान देखें, बार बराबर होता है 10^6 डाइन्स प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, बार का मान कितना होता है 10^6 डाइन्स प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, और यदि हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो इसका मान होता है 0.987 एटीएम यानी 0.987 एटमॉस्फेयर, इसका क्या होता है, मान होता है साई का। ठीक है, तो फिर से देख लो कि ऊष्मा गतिकी के नियमों के अनुसार प्रत्येक निकाय या तंत्र में क्या होती है, कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है, इस ऊर्जा के कारण ही वह निकाय है वो काम कर सकता है या कोई कार्य कर सकता है। यदि मुक्त ऊर्जा नहीं होगी तो निकाय के द्वारा कोई भी कार्य संपादित नहीं हो सकता। जो शुद्ध जल होता है यानी जो विलायक होता है उसकी मुक्त ऊर्जा है वो अधिकतम होती है, बहुत ज़्यादा होती है, सर्वाधिक होती है, लेकिन जैसे ही हम उस विलायक के अंदर या शुद्ध जल के अंदर विलेय पदार्थ मिलाने शुरू कर देंगे, कोई भी विलेय पदार्थ हम उसके अंदर मिलाना शुरू करेंगे तो क्या होगा, उस शुद्ध जल विलयन बन जाएगा, पहले विलायक था विलेय पदार्थ मिलाया तो विलयन बन गया, तो अब क्या होगा, जैसे ही विलायक से विलयन बनेगा तो विलयन की जो मुक्त ऊर्जा का मान है वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होने लग जाता है। इस प्रकार विलायक और विलयन दोनों के जो मुक्त ऊर्जा में जो अंतर आया है उस अंतर को ही हम क्या कहते हैं, जल विभव कहते हैं।
जल विभव का जो संकेत है वो एक ग्रीक भाषा में शब्द आता है साई, साई के द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। और इसकी जो इकाई होती है वो बार या एटमोस्फियर होती है। बार का मान होता है 10 की पावर 6 डाइंस प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपके जो एटमोस्फियर है उसका मान होता है 0.987 एटमोस्फियर एटीएम। अब आगे देखिए, शुद्ध जल में हम क्या कर रहे थे, विलेय पदार्थ मिला रहे थे। तो शुद्ध जल में विलेय पदार्थ मिलाने पर, शुद्ध जल में विलेय पदार्थ मिलाने पर उसका परासरण विभव क्या होता है, कम होने लगता है। परासरण विभव कम होने लगता है। ऊष्मा गतिकी के अनुसार परासरण विभव को साई एस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक चीज ध्यान रखना कि जो परासरण विभव होता है और परासरण दाब होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर और ये ऑस्मोटिक क्या है, पोटेंशियल। तो परासरण विभव और परासरण दाब दोनों के मान क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। दोनों के मान क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। परासरण दाब व परासरण विभव का मान बराबर होता है। लेकिन यहां पर आप देखो कि यहां पर जब विलेय पदार्थ मिलाया जा रहा है शुद्ध जल के अंदर, तो परासरण विभव क्या हो रहा है, कम हो रहा है। परासरण विभव क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसलिए मान तो बराबर रहेगा, परासरण दाब का और परासरण विभव का मान बराबर रहेगा। फर्क इतना है कि परासरण दाब तो किस में रहेगा, प्लस में रहेगा, है ना। परासरण दाब का मान है वो तो रहेगा धनात्मक, पॉजिटिव, और परासरण विभव है उसका मान किस में रहेगा, ऋणात्मक या नेगेटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो कि परासरण विभव का मान है वो बढ़ नहीं रहा, वो कम हो रहा है। कब, जब हमने शुद्ध जल में क्या पदार्थ क्या मिलाया है, विलेय पदार्थ मिलाए हैं, तो उस विलेय पदार्थ मिलाने के कारण परासरण विभव का मान है वो घट रहा है। जब घट रहा है इसका मतलब क्या हुआ, परासरण विभव का मान क्या आएगा, ऋणात्मक रूप में आएगा। लेकिन फर्क इतना ही है कि परासरण दाब तो क्या होता है, पॉजिटिव धनात्मक होता है, वह परासरण विभव का मान ऋणात्मक होता है। मान बराबर हैं, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव का अंतर है। परासरण दाब वो धनात्मक होगा, परासरण विभव है वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो हम लिख सकते हैं साई एस बराबर ऋणात्मक। इसका मान क्या हो रहा है, साई एस का परासरण विभव का मान क्या हो रहा है, वो होता है आपके ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो जब विलेय पदार्थ में
विलेय पदार्थ है शुद्ध जल के अंदर जैसे जैसे ऐड करते रहेंगे विलयन बनता रहेगा और उसका परासरण विभव का मान है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऊष्मा गतिकी के अनुसार परासरण विभव को साई एस के द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित किया जाता है। तो परासरण दाब और परासरण विभव का मान एक ही होता है, बराबर होता है। सिर्फ इतना ही अंतर है कि परासरण दाब है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। परासरण विभव का मान है वो कैसा होता है, वो होता है ऋणात्मक रूप में होता है। अब आगे देखिए, जब जल किसी कोशिका में, इसके आगे ये, जब जल किसी कोशिका में प्रवेश करता है तो जो सेल वॉल है यानी कोशिका भित्ति है वो क्या करेगी, इस जल को कोशिका में आसानी से प्रवेश नहीं होने देगी। मान लीजिए ये कोशिका है और इस कोशिका के अंदर ये भित्ति है, ये क्या है, कोशिका भित्ति है, और यहां से होके जल अंदर जा रहा है तो कोशिका भित्ति क्या करेगी, ऐसा तो है नहीं, कोशिका भित्ति है बिल्कुल, इसको आसानी से अंदर जाने नहीं देगी, जल को अंदर आसानी से नहीं जाने देगी कि आ जाओ चले जाओ अंदर, ना ऐसा नहीं कर सकती कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या करेगी, इस जल को इस कोशिका के अंदर जाने से रोकने के लिए रुकावट पैदा करती है। क्या करती है, यह कोशिका भित्ति जल को अंदर जाने के लिए कुछ ना कुछ रुकावट पैदा करती है। तो कोशिका भित्ति जल को कोशिका में जाने से रोकने के लिए क्या करेगी, रुकावट पैदा करेगी। अब जब रुकावट पैदा होगी, जल अंदर जाने की कोशिश कर रहा है और कोशिका भित्ति क्या कर रही है, जल को अंदर से जाने के रोकने, जल को अंदर जाने से रोकने के लिए क्या कर रही है, कुछ से रुकावट पैदा कर रही है, जिससे एक दाब उत्पन्न होता है इसे दाब विभव कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, दाब विभव कहते हैं। दाब विभव को साइपी द्वारा व्यक्त किया जाता है। साइपी द्वारा व्यक्त किया जाता है। जब जल कोशिका में प्रवेश करता है तो कोशिका कैसी हो जाएगी, स्फीत। तो कोशिका स्फीत हो जाती है, कोशिका फैल जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई जल अंदर, इसके अंदर प्रवेश कर रहा है जल, तो कोशिका क्या होगी, स्फीत हो जाएगी। अर्थात सिग्मा पी साई पी बराबर टीपी, साई पी बराबर क्या हो जाएगा, टीपी। तो जब कोशिका के अंदर जल जाने की कोशिश कर रहा है तो कोशिका भित्ति क्या कर रही है, रुकावट पैदा करेगी, जिसके कारण जल है वो कोशिका में अंदर आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता। तो इस रुकावट के कारण एक दाब उत्पन्न होता है, उस दाब को हम क्या कहते हैं, दाब विभव कहते हैं, और इसे हम किसके द्वारा, साई पी के द्वारा व्यक्त करते हैं। लेकिन फिर भी मान लीजिए जल कोशिका के अंदर प्रवेश तो करेगा, जैसे इसने प्रवेश किया तो कोशिका क्या हो जाएगी, स्फीत हो जाएगी, फूलने लग जाती है। और जब कोशिका स्फीत हो जाती है तो इसका मतलब क्या होता है,
दाब विभव बराबर किसके बराबर होता है? टर्गर प्रेशर के, या साइन पी बराबर हो जाएगा वोल प्रेशर, डब्ल्यू पी एन ए वोल प्रेशर। अब चूंकि दाब विभव के कारण, चूंकि दाब विभव के कारण क्या बढ़ रहा है, जल विभव बढ़ता है, अतः जो दाब विभव है यानी साई पी, उसका मान क्या होगा? क्योंकि यहां पर दाब विभव, सॉरी जल विभव क्या है, बढ़ रहा है, तो इसका मान भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, तो इसका मान धनात्मक होगा। अर्थात P बराबर धनात्मक। इस प्रकार जो जल विभव है उसका पूरा मान क्या हो जाएगा, जल विभव W बराबर साइन W बराबर साइन P प्लस साइन S, ये हो जाएगा आपके जल विभव की अवधारणा का सूत्र। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए कि किसी भी निकाय के अंदर क्या होती है, मुक्त ऊर्जा होती है, और उस मुक्त ऊर्जा के कारण ही उस निकाय में कुछ ना कुछ कार्य हो सकता है। शुद्ध जल की मुक्त ऊर्जा है वो क्या होती है, सर्वाधिक होती है, सबसे ज्यादा होती है, लेकिन जैसे ही उस शुद्ध जल को यानी विलायक को हमने विलयन में कन्वर्ट किया तो उसकी मुक्त ऊर्जा है वो क्या हो जाती है, कम होने लग जाती है। तो इस प्रकार शुद्ध जल या विलायक और विलयन में जो अंतर आया है मुक्त ऊर्जा का, उस अंतर को ही हम क्या कहते हैं, जल विभव कहते हैं, जल विभव कहते हैं। और इसे साई के द्वारा, साई के द्वारा इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और इसकी जो इकाई होती है वो बार या क्या होती है, एटीएम या एटमॉस्फेयर होती है। इसका मान, बार का मान होता है 10^6 डाइन्स प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपके एटमॉस्फेयर एटीएम का मान होता है 0.987 एटीएम। अगला टॉपिक आता है आपका अंतःशोषण। क्या होता है अंतःशोषण, के भाई किसी ठोस पदार्थ का, किसी द्रव का विलयन बनाए बिना ही उसका अवशोषण कर लेना, किसी द्रव को, द्रव का विलयन बनाए बिना ही उसको अवशोषित कर लेना, किसके द्वारा, ठोस पदार्थों के द्वारा, उसे ही हम क्या कहते हैं, अंतःशोषण या अधिशोषण भी आप उसको कह सकते हो। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, ठोस पदार्थों द्वारा किसी द्रव का बिना विलयन बनाए, बिना विलयन बनाए ही उसका अवशोषण कर लेना, उसका अवशोषण कर लेना क्या कहलाता है, अंतःशोषण कहलाता है। आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों के अंदर जो दरवाजे पानी से भीगते हैं, जो मेन गेट होता है वो क्या होगा, पानी से कुछ भीग सकता है, या घर इस प्रकार बना हुआ है जिसके कारण पानी से दरवाजे हैं या खिड़कियां हैं लकड़ी से बनी हुई, वो पानी से भीगती हों, तो आपने देखा होगा सर्दियों के अंदर, सॉरी बरसात के मौसम के अंदर वो दरवाजे हैं या खिड़कियां हैं वो बंद नहीं होती, ढंग से बंद हम करना चाहें तो वो पूरा बंद नहीं होती। क्यों नहीं होती, वो इसलिए नहीं होती क्योंकि जो वो जिस लकड़ी से वो दरवाजे ये खिड़कियाँ बनी हुई है, वो लकड़ी क्या 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 करेगी, जल का अवशोषण कर लेगी, बरसात का जो पानी आया है
उस पानी को अवशोषित कर लेगी, जिसके कारण जब अवशोषित करेंगी वो तो क्या हो जाएंगी, उनकी साइज है वो बड़ी हो जाएगी, क्योंकि जल का अवशोषण करने के कारण वो खिड़की या दरवाजे हैं वो क्या हो जाएंगे, वो फूल जाएंगे, फूलने के कारण फिर वो आसानी से बंद नहीं होते। अब है अंत्य शोषण को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक हैं जो अंत्य शोषण को प्रभावित करेंगे। पहला तापमान, सीधी सीधी बात है, तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, जैसे जैसे तापमान बढ़ता रहेगा अंत्य शोषण का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो तापमान बढ़ेगा तो अंत्य शोषण भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा है अंत्य शोषक की प्रकृति, यानी जिन पदार्थों द्वारा अंत्य शोषण हो रहा है उसकी प्रकृति भी अंत्य शोषण को क्या करती है, कंट्रोल करती है। जैसे प्रोटीन, प्रोटीन द्वारा अंत्य शोषण अधिक होगा, जबकि जो स्टार्च है, स्टार्च उसके द्वारा अंत्य शोषण क्या होगा, कम होगा। तो तापमान बढ़ाने से अंत्य शोषण बढ़ेगा, अंत्य शोषक की प्रकृति, यदि अंत्य शोषक के प्रोटीन प्रकृति का है तो अंत्य शोषण क्या होगा, ज्यादा होगा। यदि अंत्य शोषक स्टार्च यानी मांड, स्टार्च को मांड भी कहते हैं, अंत्य शोषक यदि स्टार्च प्रकृति का होगा तो उसके द्वारा अंत्य शोषण की जो दर है वो क्या होगी, कम होगी। अब अंत्य शोषक का क्षेत्रफल, यह तीसरा प्रभावित करने वाला कारक है कि भाई यदि अंत्य शोषक जिसके द्वारा अंत्य शोषण हो रहा है, जाहिर सी बात है जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा वह पदार्थ क्या करेगा, अंत्य शोषण भी उसी अनुपात में करेगा। यदि मान लो कोई बड़ा दरवाजा है और वो गीला हो रहा है तो उसमें अंत्य शोषण क्या होगा, ज्यादा होगा। उसी की अपेक्षा यदि कोई छोटा दरवाजा है, छोटी खिड़की है, तो उसके द्वारा अंत्य शोषण कम होगा। तो क्यों, क्योंकि उन दोनों के क्षेत्रफल में क्या है, फर्क है। तो अंत्य शोषक का क्षेत्रफल, यदि अंत्य शोषक का क्षेत्रफल ज्यादा है तो अंत्य शोषण क्या होगा, अधिक। वह यदि अंत्य शोषक का क्षेत्रफल कम है तो क्या होगा, अंत्य शोषण भी कम होगा। तो जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा अंत्य शोषक का, उस क्षेत्रफल के अनुपात में ही क्या होगा, वह अंत्य शोषण करेगा। जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा अंत्य शोषण भी उतना ही अधिक होगा, और जितना अंत्य शोषक का क्षेत्रफल कम होगा उसी प्रकार जो अंत्य शोषण है वो भी क्या होगा, कम ही होगा। एक लास्ट और टॉपिक रह गया इसके अंदर, और वह है आपके अंत्य शोषक की शुष्कता, शुष्कता यानी अंत्य शोषक जो अंत्य शोषण कर रहा है जो पदार्थ, यदि अंत्य शोषक की कुछ अंत्य शोषक शुष्क अधिक है, ज्यादा शुष्क है, तो अंत्य शोषण भी क्या होगा, अधिक होगा। और यदि अंत्य शोषक में शुष्कता कम है, ज्यादा शुष्क नहीं है, तो अंत्य शोषण की दर है वो भी क्या होगी, वो कम होगी। इस प्रकार हम देख
देख सकते हैं कि भाई ठोस पदार्थों द्वारा किसी द्रव का बिना विलयन बनाए ही उसका अवशोषण कर लेना क्या कहलाता है, वो अंते शोषण कहलाता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि बरसात के दिनों में हमारे घरों की जो खिड़कियां हैं, जो आपके लकड़ी से बनी हुई हैं और जो लकड़ी से बने हुए हमारे जो दरवाजे हैं घरों के, वो क्या हो जाते हैं, वो फूल जाते हैं। तो ये अंते शोषण का बहुत अच्छा उदाहरण है। यदि हम बात करें कि भाई अंते शोषण वो किन किन कारकों से प्रभावित होता है, तो तापमान से प्रभावित होगा। तापमान यदि बढ़ेगा तो अंते शोषण भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर अंते शोषक की प्रकृति, यदि अंते शोषक प्रोटीन प्रकृति का है तो अंते शोषण ज्यादा होगा, यदि अंते शोषक स्टार्च प्रकृति का है तो उसके द्वारा क्या होगा, अंते शोषण कम होगा। फिर अंते शोषक का क्षेत्रफल, यदि अंते शोषक यानी जिसके द्वारा अंते शोषण किया जा रहा है उसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो क्या होगा, अंते शोषण ज्यादा होगा। और यदि अंते शोषक का क्षेत्रफल कम है तो अंते शोषण भी क्या होगा, कम होगा। और चौथा और अंतिम इसका प्रभावित करने वाला कारक है अंते शोषक की शुष्कता, यदि अंते शोषक जिसके द्वारा अंते शोषण किया जा रहा है वो शुष्क अवस्था में है, ज्यादा शुष्क है, तो उसके द्वारा अंते शोषण भी अधिक किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, नए अध्याय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।